अपना आम आदमी पूरा अपन उनको सपोर्ट करा, जिताया उन लोगों को, वो सीएम है ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी भी जी। दे आर नॉर्मल कैंडिडेट सच। इलेक्शन हो गया, हम कामारेड्डी का एमएलए बन गया, लेकिन हम बीजेपी कैडर को नहीं तो 65,000 वोट्स डाले वाले को एमएलए नहीं हूँ मैं। मैं पूरा 2,50,000 वोटर्स को एमएलए हूँ, 4 लाख पीपल को एमएलए हूँ। जी मैं उसको मामूली अभ्यर्थी जैसा देखा था, मामूली कैंडिडेट जैसा देखा था। उन दोनों को सीएम है, सीएम होने वाला है, सीएम है बोल के मैं नहीं देखा। मैं टीआरएस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट से लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, मैं लड़ लिया। अपना आम आदमी पूरा अपन को सपोर्ट करा, जिताया और जीत लिया, बस उतना ही। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को वो सीएम है ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी भी जी। दे आर नॉर्मल कैंडिडेट सच। अब रिसेंटली कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करने पर है, तो ऐसे में आप जो डेवलपमेंट कामारेड्डी में किस तरह से करेंगे? गवर्नमेंट जो भी रहने दे जी, राज्यांग राजनीति में राज्यांग उसमें क्या है, अभी कॉन्स्टेंसी का एलोकेशन फंड अलग ही रहता। उसमें डबल पीएचडी पढ़ने वाले को ज़्यादा देते, अगर अंगूठी छाप वाले को कम देते बोल के नहीं रहता। कॉन्स्टेंसी परेड कैपिटल बोल के रहते, वो परेड कैपिटल के जैसा जितने आने का है, जो भी रहने दो, मैं रहने दो, दूसरा रहने दो, वो आते रहता। इसके वजह से गवर्नमेंट कुछ भी होने दो, जो गवर्नमेंट में रहता है उसका ही डेवलपमेंट होता बोले तो। अगला दिन में कामारेड्डी में उन लोग नहीं जीतना, अगर काम करे तो ना जीतेगा। अगर काम नहीं करा है, मैं पब्लिक को बोल देता हूँ इन लोग काम नहीं करने दे रहा, नहीं कर रहा बोल के। हमारा को सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट को नहीं देते सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं रहते राजनीति में, ऐसे नहीं रहते। जो गवर्नमेंट है पब्लिक, अभी इलेक्शन हो गया, हम कामारेड्डी का एमएलए बन गया, लेकिन हम बीजेपी कैडर को नहीं तो 65,000 वोट्स डाले वाले को एमएलए नहीं हूँ मैं। मैं पूरा 2,50,000 वोटर्स को एमएलए हूँ, 4 लाख पीपल को एमएलए हूँ। इसलिए देश में भी प्रधानमंत्री तेलंगाना को देते, ये तेलंगाना में अपना गवर्नमेंट नहीं है ना बोल के नहीं देते, ऐसा नहीं करते प्रधानमंत्री। सो मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं करते अल्टीमेटली ऑब्वियसली।